इस साल होली 29 मार्च को है, लेकिन ब्रज में होली का खुमार अभी भी छाने लगा है। बरसाने की लटमार होली देश दुनिया में प्रसिद्ध है, वहीं मथुरा की लड्डू वाली होली भी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रजभूमि में होली धूमधाम के साथ खेली जाती है। यहाँ दुनिया भर के से लोग होली खेलने आते हैं। होली से 1 सप्ताह पहले ब्रज में विशेष कर प्रकार के होली खेलना शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी होली किस दिन मनाई जाए। लड्डू की होली, बरसाने की लड्डू की होली 22 मार्च को खेली गई, और इस दिन राधा रानी के गांव बरसाना में फाग आमंत्रण का उत्सव भी हुआ। फिर लड्डू से खेली से होली खेली जाती है। रंगीली गली में लठमार होली, रंगीली गली में लठमार होली 23 मार्च को बरसाना में हिनंद गांव के हुरियारों संग लठमारों में खेली गई। नंदगांव में लठमार होली बरसाने के बाद अगले दिन यानी 24 मार्च को नंदगांव में लठमार होली का आयोजन किया गया। फूलों की होली और रंग भरनी होली, मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में फूलों की होली खेली गई, जो वहीं पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 25 मार्च को रंग भरनी होली के साथ खेली गई। छठी मार होली 26 मार्च को गोकुल में छठी मार होली का आयोजन किया गया, जो कि आज है और किया जा रहा है। गुलाल की होली 27 मार्च को वृंदावन में अबीर और गुलाल के से होली खेली जाएगी। यहाँ वृंदावन में रहने वाली विधवाएं रंगों वाली होली खेलेंगी। पूरी दुनिया प्रसिद्ध बरसाने की लठमार होली। बरसाने की लठमार होली न सिर्फ देश में मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया में भी ये काफी प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाने की में लठमार होली मनाई जाती है। नवमी के दिन यहाँ पर नजारा देखने के लायक होता है। यहाँ लोग रंगों फूलों के अलावा डंडों से भी होली खेलने की परंपरा निभाते। नंदगांव के लोग होली खेलने जाते हैं बरसाने में। बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नंदगांव के लोग होली खेलने के लिए बरसाना गांव जाते हैं। यहाँ पर लड़कियों और महिलाओं के संग लठमार होली खेली जाती है। इसके बाद फाल्गुन शुक्ल की 10वीं तिथि पर रंगों की होली खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण के समय में चली आ रही ये परंपरा, लठमार होली खेलने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों संग नंदगांव से बरसाना जाते थे। बरसाना पहुंचकर वे राधा और उनकी सखियों संग होली खेलते थे। इस दौरान कृष्ण जी राधा संग ठिठोली करते थे, जिसके बाद वहां के सारी गोपियां उन पर डंडे बरसाती थी। गोपियों के डंडे के मार से बचने के लिए नंदगांव के ग्वाले लाठी और ढालों का सहारा लेते थे। यही परंपरा धीरे धीरे चली आ रही है, इसका आज तक पालन किया जा रहा है। पुरुषों को हुरियारे और महिलाओं को हुरियारन कहा जाता है। इसके बाद सभी मिलकर रंगों से होली का उत्सव मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में महाशिवरात्रि के बाद आने वाले पर्व होली का बहुत महत्व है। इस दिन किए गए उपाय शीघ्र फल फल देते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ खास विशेष उपाय बता रहे, जिनको करने से आपके जीवन में सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन हर्ष और ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। Gracias.